मोदी जी छटे हुए बनिए हैं, बनिए, और बनिया सवर्ण है, वो कहीं भी पिछड़े समाज में से नहीं है। और जब चुनाव आयोग उनके लिए काम कर रहा तो जीतेगा कौन? वो कमीज और पैंट के अंदर से कच्चाधारी ही है, वो आरएसएस का ही आदमी है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं इस बात को। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब बिल्कुल खुले तौर पर हो रहा है कि संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है और संविधान के विरोध में काम हो रहा है। जैसे आप अगर बीजेपी की बात देखें तो बीजेपी जितना भी काम कर रही है, या आप व्यक्तिगत रूप से कहें तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी आपको जहां भी दिखाई देंगे वो धर्म के मामले में टल्ली बजाते हुए दिखाई देंगे आपको, देखे ना, जगह जगह जा रहे हैं और उसका बाकायदा प्रचार किया जा रहा है। उस प्रचार पर टैक्स पेयर जो है इस देश का, उसका पैसा खर्च किया जा रहा है। और प्रचार क्या है? एक धर्म विशेष का वो प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी का अपना कोई भी धर्म हो सकता है, और देश के संविधान के माध्यम से हर एक को अपना धर्म जो पालन करने का अधिकार है, लेकिन मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के संविधान की जब शपथ लेते हैं तो तब वो सबके प्रति समान व्यवहार रखेंगे, ये सारी शपथ वो ली जाती है। और देश का जो संविधान कहता है वो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। और प्रधानमंत्री क्या है? सरकार, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब एक ही धर्म के लिए सारे काम कर रहा है, सरकारी पैसा उस पर खर्च हो रहा है, उसके जाने पर खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च हो रहा है, तो निश्चित रूप से देश के संविधान के साथ में पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ। इसके अलावा और जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं लगातार जी। वो संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक और चीज में एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, शायद उससे समझेंगे बढ़िया रहेगा। अभी कुछ दिन पहले, शायद ये अगस्त की बात है, अगस्त या सितंबर, अगस्त की ही बात है, शायद 12 अगस्त की बात है, दैनिक भास्कर जो एक न्यूज पेपर है अलावास से निकलता है, जो उसमें एक खबर निकली थी कि वहां पर एक मीटिंग हुई है और हिंदू संगठनों की, और उसमें यह है कि उन्होंने जो भारत का संविधान जो अब है वर्तमान, इसको खत्म करके मनुस्मृति पर आधारित जो संविधान है उसे लागू करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और उसे बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका कुछ हिस्सा बनाया, लगभग 60 पेज की उसमें जो है बात की जा रही है। अच्छा। और उसमें ये कहा जा रहा है कि देश का जो संविधान होगा वो मनुस्मृति पर आधारित होगा, और उसमें जिन लोगों को मताधिकार होगा वो होंगे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी, इनको कोई अधिकार नहीं होगा उनके संविधान के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो देश की राजधानी है वो यहाँ से हटा के, दिल्ली से हटा के बनारस में बनाई जाएगी, धर्म संसद वहाँ स्थापित की जाएगी। ये काम क्या है? देश में एक संविधान है, उस संविधान के हिसाब से जो है केंद्र सरकार चुनी गई, जो राज्य सरकार है वो चुनी गई, और उन सबके होते हुए एक संविधान मनुस्मृति पर आधारित, जो मनुस्मृति ऐसा दस्तावेज है जिससे ज्यादा कोई घटिया दस्तावेज और ऊंच नीच पर आधारित दस्तावेज इस धरती पर कोई नहीं, कम से कम इस देश में तो नहीं है जैसा मनुस्मृति है। उस सबके होते हुए उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई, FIR होती, गिरफ्तार किया जाता, ये क्या देशद्रोह नहीं है कि देश में एक संविधान है और दूसरा संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए बाकायदा कह रहे हैं कि 2023 में वहां पे बनारस में बाकायदा एक और संसद बुलाई जाएगी और उसमें तब तक 200 पेज वो तैयार कर लेंगे उस संविधान के, और उन पर बाकायदा चर्चा होगी। और उस संविधान को बनाने के लिए कुछ IAS लोग हैं, कुछ जजेस लोग हैं, रिटायर IPS वगैरह इस तरह के लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और जितने भी काम आप देख रहे हैं, मोदी जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल उस तरह से करते नहीं है। सरकार जो मोदी जी की सरकार है, और विशेष रूप से मोदी जी कहें, जनता के सामने जो कुछ बोलते हैं झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, धोखा दे रहे हैं, और सिर्फ अपने मजे के लिए, मस्ती के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी खुद पिछड़े समाज से आते हैं और आप उन पे मनुवादी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये आपको मूर्ख बनाने के लिए मोदी जी ने ये फैलाया गया है। हाँ। मोदी जी छटे हुए बनिए हैं, बनिए, और बनिया सवर्ण है, वो कहीं भी पिछड़े समाज में से नहीं है। अब मुख्यमंत्री होकर आपने सत्ता हासिल करने के लिए ये घालमेल कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन आप हकीकत में इस देश में जो वर्ण व्यवस्था उसके हिसाब से 30 वर्ण में वैश्य समाज में आते हैं, और वही है वो मोदी जी। तो आप जो कह रहे हो
वो गलत है। अगर मोदी जी वाकई में पिछड़े समाज के हैं तो मुझे बताओ पिछड़े समाज के लिए क्या काम किया? सारा रिजर्वेशन एससी का, एसटी का और ओबीसी का, विशेषकर ओबीसी का मोदी जी ने खत्म कर दिया। मतलब जो मन में आए कह लो, उससे फर्क क्या पड़ता? क्या पहले जो व्यवस्था थी कश्मीर में, क्या वो संविधान के अनुसार नहीं थी? वो आरक्षण पहले भी था, वो आरक्षण जिसकी आप बात कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं वो पहले भी था, लेकिन मोदी जी समझते हैं कि उनसे ज्यादा जो है कोई और समझदार धरती पर है नहीं। वो सारी व्यवस्थाएं पहले भी लागू थी, कहने के लिए आज भी लागू है, अब आप उसको रिपीट करते हो। तो मोदी जी का तो पता काम क्या है, जो मैं बताना ना कि अहमदाबाद में जो मेट्रो रेल का उद्घाटन किया ना, एक ही रेल का दो बार फीता काट दिया। तो ये काम करते हैं मोदी जी तो। सो जो चीज लागू है उसी को बाद में कह देते कि मैंने लागू करी। उनसे पहले तो इस देश में कुछ था ही नहीं, ना इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इस देश में जो है मतलब कोई और सारी चीजें थी, सब कुछ उनके आने के बाद ही हुआ। अपोजिशन है, लेकिन अपोजिशन को जिस तरह से काम करना चाहिए, जितने स्ट्रॉन्गली सड़क पर आकर लड़ना चाहिए, उस बात की कमी है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उसकी लड़ाई है, मगर है भी उसका जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार नहीं हो रहा, क्योंकि सो कॉल्ड जो मीडिया है वो पूरी तरह से अपने आप को साष्टांग करके, दंडवत करके मोदी जी के चरणों का चुंबन कर रहा है, उनके कब्जे में है जो भी कुछ है। सो अगर कहीं है भी विपक्ष की आवाज, वो उठाई नहीं जाती आवाज, दिखाई नहीं जाती आवाज। किसान आंदोलन को किसने दिखाया था? मीडिया ने दिखाया? आपने दिखाया? आप नहीं होते तो उसकी भी आवाज नहीं होती। अभी बहुत बड़ी यात्रा चल रही है और बड़ी भीड़ लगातार उसमें हो रही है, जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें लगातार कितना दिखा रहा मीडिया? कहीं दिखाता है आपको मीडिया? अगर एनडीटीवी दिखा दे या आप लोग दिखा दें तो दिखा दें, अन्यथा मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये जो मीडिया के कारनामे हैं, जिसकी वजह से चीजें अगर विपक्ष की हैं भी तो सामने नहीं आ रही हैं, ये उसकी वजह से है, अन्यथा लड़ाई लगातार जारी है। नहीं करती थी? हाँ। बिल्कुल करती थी, सवर्णों के ऊपर करती थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता था कांग्रेस में। जिनकी आप बात कर रहे हो हमेशा से उनका राज रहा। हाँ। सत्ता में, केंद्र में भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की है या और भी सरकार है, राज उन्हीं का रहा, सवर्णों का ही वर्चस्व रहा हमेशा। और इसीलिए, क्योंकि उनका वर्चस्व उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं, अधिकारी मैक्सिमम उनके हैं, जो मीडिया है वो उनके हाथ में है, जो पूंजीपति हैं उनके हैं, पैसा उनके पास में है, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी संस्था हो, वो सब कुछ उनके हाथ में होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई कहां से होगी? कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? कार्रवाई होगी उमर खाली जसों के खिलाफ, कार्रवाई होगी जो और लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग हैं विशेष का सवर्ण समाज के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, गवर्नर उनके, मुख्यमंत्री उनके, प्रधानमंत्री उनके, मंत्री उनके, जज उनके, सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जितने हैं वो सब उनके, कैसे कार्रवाई होगी? और निष्पक्ष यहां कुछ है नहीं, अपने आप ही सारे के सारे जो लोग हैं वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं कि गुजरात जीतेंगे बीजेपी, बीजेपी ही जीत के आएगी, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि आपको नजर नहीं आता? जब चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले 1000 अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर करे, आपको नहीं नजर आ रहा कि कौन जीतेगा? आपको नजर नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री के इशारे पर ही चुनावों की घोषणा की गई है, चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है? की गई नहीं की गई है? उससे पहले नहीं की गई ना, जब उन्होंने अपना सारी क्रम जो भी करना था, जो घोषणा करनी थी, उन्हें जो योजनाओं का, जो लोगों को भ्रमजाल में फंसाना था, उन सब का जब सब कुछ कर चुके, उसके बाद में घोषणा हुई है। और जब चुनाव आयोग उनके लिए काम कर रहा तो जीतेगा कौन? और वैसे भी जब तक देश में ईवीएम है आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। और गुजरात प्रधानमंत्री की नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, इलेक्शन आप करा रहे हो बैलेट पेपर से तो 40 सीटें नहीं जीत पाएगी गुजरात में बीजेपी, 40 सीटें, लेकिन चुनाव ईवीएम से हो रहा है इसलिए बीजेपी जीत के आएगी। प्रधानमंत्री अगर हार गए इस चुनाव में गुजरात में तो 2024 में क्या हालत उनकी होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते? तो नाक की बात है, इज्जत की बात है, इसलिए चुनाव वो जीत के आएंगे, इलेक्शन कमीशन जिताएगा। अरे लक्ष्मी गणेश भैया उनके लिए काम करते हैं, सो उनके लिए काम करेंगे, आपके लिए थोड़ी ना काम करेंगे लक्ष्मी गणेश। ये सवाल आप उनसे पूछो कि IIT पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर व्यक्ति लक्ष्मी गणेश की बात कर रहा, अंधविश्वास फैला रहा है, तो काहे को बाबा साहब का फोटो लगा रखा पीछे? लेकिन सर काहे को जो भगत सिंह जी का फोटो लगा रखा, उन्हें हटाए? लेकिन सर फिर गणेश लक्ष्मी की बात करें। हाँ। और गणेश लक्ष्मी की बात करके उसने बता दिया कि भैया अंदर से
वो कमीज और पैंट के अंदर से कच्चाधारी ही है, वो आरएसएस का ही आदमी है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ इस बात को, आम आदमी का है का है। आम आदमी ने क्या क्या कहा, आम आदमी बड़े मजे से बैठ के अंगूर खाता है और तुम्हें गूंठा दिखाता है। जैसे आरएसएस के और बीजेपी के सारे लोग जो हैं ना ईमानदार, वैसे ही ईमानदार है। उसकी ईमानदारी का जो है नमूना ये है, उससे पूछो कि पिछले 5 साल जो पहली उसका टर्न रहा, उन 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ मैं कोट कर रहा हूँ, ये 20,000 करोड़ रुपए ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन है, उसके केजरीवाल सरकार के माध्यम से ही, उसी के डिपार्टमेंट से 20,000 करोड़ रुपए एससी सब प्लान का कंपोनेंट प्लान का खा गया। वही ईमानदार आदमी भी बात कर रहे हो ना आप। और अब जो आ रहा है, अब जो ऑफिशियल अब फिगर निकल के आ रही हैं, वो 50,000 करोड़ के लगभग हैं। एससी जिनका बाबा साहब का फोटो लगाता है, जिनके लिए भगत सिंह जी लड़े, उनका उनका फोटो लगा के उन्हीं को खत्म कर रहा है, उन्हीं का हक मार रहा है, उन्हीं का हक लूट रहा है। ये बेईमान आदमी, अगर हिम्मत है तो बताए ना आरटीआई के माध्यम से जितनी इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा महमूद प्राचा साहब अभी आएंगे, आपको यहाँ मिलेंगे, आप उनसे पूछना। महमूद प्राचा साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल रखी है उन्हीं आरटीआई के आधार पर कि एससी सब प्लान का इतने 1,000 करोड़ रुपया केजरीवाल खा गया। ये ईमानदार आदमी है, छटा हुआ बेईमान है, जैसे आरएसएस के लोग हैं, जैसे बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं का आदमी है वो। कहाँ की पैदाइश है वो, अन्ना हजारे के आंदोलन की। अन्ना हजारे किसका आदमी था, आरएसएस का। उस आंदोलन में जो पैसा था, जो मीडिया था, जो लोग थे, किसके थे, आरएसएस के, उन्हीं की वो पैदाइश है। तो ईमानदार कैसे हो सकते, समाज का रहा तो समाज उससे पूछे, समाज को समाज कल्याण मंत्री से पूछना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र पाल गौतम से, कि तुम्हारे रहते हुए समाज का 20,000 करोड़ रुपया तुम्हारी पार्टी का व्यक्ति कैसे खा गया। पूछो ना उससे जाके सवाल, क्यों नहीं पूछते आप सारे के सारे लोग, उससे पूछो कि तेरे रहते हुए समाज का हक लूट लिया गया, क्या कर रहा था तू, काहे का मंत्री था तू। हमने तो पूछा उससे, हमारे से ये कह रहा कि 100 करोड़ रुपए का बजट है, 100 करोड़ का नहीं भैया ये बजट है, तेरे ही डिपार्टमेंट ने आरटीआई से दिए, उससे पूछो आप। जनता ने, ये भी बात है, एक जनता ने संजीदगी से नहीं लिया। दूसरी बात, अब जिस स्थिति हो गई है ये जनता की ही लड़ाई रह गई, और जनता को जन आंदोलन के माध्यम से इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा, अन्यथा सबका दम घुट के सब मरेंगे। अगर बीजेपी 2024 में चुनाव जीतकर आ गई, और अगर ईवीएम रहा तो आएगी जीत के, और जीत कर आ गई तो आप देखना कैसा तांडव होगा यहां पर। आज जो आप और हम बोल पा रहे हैं, आप, हम मेरी बाइक ले रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूं, सब बंद हो जाना है, कुछ नहीं रहना है, और लोगों की स्थिति वो होगी जो लोगों की कल्पना से बाहर है। इसलिए 2024 में बीजेपी को उखाड़ के फेंकना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है, और वो जन आंदोलन से ही संभव है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ जनता को कि लड़ाई तुम्हारी है, नेताओं की नहीं है, लड़ाई को समझो और समझकर जन आंदोलन खड़ा करो, और मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए सबसे पहले ईवीएम को उखाड़ के फेंको, और उसके बाद में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंको, बैलेट पेपर से चुनाव डाली, बहुत लोगों ने डाली, सारी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।